खुदा यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम है आशा सज्जाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अब हम इस वक्त भाई हारून के पास पहुंचे हैं जो कि शेफ है। ये 15 साल से कुकिंग के शोबे से मुंसलिक है। इन्होंने बहुत बड़े बड़े रेस्टोरेंट में काम किया है और अपनी खिदमत वहाँ पर अभी भी सर अंजाम दे रहे हैं। आए हम इनसे पूछेंगे कि इन्होंने कुकिंग का आगाज कैसे किया और इनका कार हम जानेंगे। आए इनसे बात करते हैं। जी, मेरा नाम शेफ हारून मसीह है। मैं भाई का दिल से शुक्रगुजार हूँ हमारे पास चल के आए हैं। अच्छा भाई, आप हमें ये बताएं कि आप इस फील्ड से कितनी देर से मुंसलिक हैं? जी अशर भाई, 15 साल से मैं शोबे में काम कर रहा हूँ। अच्छा, हमें ये अपनी जर्नी के बारे में बताएं कि आपने शुरुआत कैसे की और आपने किस तरीके से सीखना शुरू किया और आपका इस कुकिंग में कैसे इंटरेस्ट आया कि आपने शेफ ही बनना है? जी ब्रदर, मैंने सबसे पहले रेस्टोरेंट में सफाई की जॉब की जी। फिर मैं उससे आगे डिशवाशर हुआ, डिशवाशर बर्तन धोए, बर्तन धोने से मैं एक हेल्पर हुआ। हेल्पर धोने के बाद जो मुझे देखा गया कि लड़का जो है ना, सीनियर शेफों ने, सीनियर जो अफसरान थे, उन्होंने देखा कि लड़का शौक से काम करता है, दिल से काम करता है, इसको हेल्पर कर लेते हैं। उन्होंने मुझे हेल्पर कर दिया। मैंने काम दिल में दिल से जान से काम किया और मुझे सीनियर हेल्पर कर दिया गया। फिर मुझे कुक 3 कर दिया गया, फिर 2 कुक हो गया, फिर कुक 2 से फिर 1 कुक हो गया। 1 से कुक से अच्छे कारकर्दगी से शेफ बनता है। वो लॉन्ग एक्सपीरियंस जो होता है उससे बंदा एक अच्छा शेफ बन जाता है। फिर वो अच्छे शेफ अच्छे खाने बनाए, उसके मियार से, उसकी खुशबू से, उसकी लज्जत से उसकी पहचान बनती है। जैसा कि हमें भाई ने बताया है कि इन्होंने 0 से शुरू किया है। जिस फील्ड में इनको काम मिला, इन्होंने दिलो जान से उसमें पूरी मेहनत के साथ अपना काम किया और फिर खुदा इनकी आहिस्ता आहिस्ता प्रमोशन करता गया और आज ये एक बहुत बेहतरीन शेफ हैं। हमारे इस भाई का यूट्यूब पर शेफ हारून भट्टी के नाम से यूट्यूब चैनल है। उन पर ये बहुत अपनी अच्छी अच्छी वीडियो बनाकर अपलोड करते हैं। अक्सर आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहाँ पर आप खाने खाते हैं तो आपको पता है कि उनका टेस्ट कितने मियार का होता है, कितना अच्छा होता है। वही टेस्ट की रेसिपी ये अपने यूट्यूब चैनल पर बताते हैं। आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो के टाइटल में आपको ब्लू कलर का शेफ हारून भट्टी लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। आपने उस पर जाकर क्लिक करना है तो नीचे से इनका YouTube चैनल ओपन होगा, तो आपने वहां पर जाकर इनके चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल के बटन को प्रेस करना है कि जब भी भाई हमारे ये मसीही भाई जब भी वीडियो अपलोड करे तो वो वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। आप ज़रूर इस भाई को सब्सक्राइब करें क्योंकि हमारा हक बनता है कि मसीही होते हुए हम अपने दूसरे मसीही बहन भाई की सपोर्ट करें। आए इस वीडियो में हम देखेंगे कि भाई हारून आज कौन सी डिश तैयार करेंगे। जी भाई अशर भाई, हम आपके लिए जो है ना बिहारी चिकन बना रहे हैं, बहुत ही कमाल का मज़ेदार होने वाला है। आप देखते रहिए हमारे साथ रहे। ये देखिए, 2 kg हमने चिकन लिया है जी। इसको अच्छी तरह कटिंग करके जो है ना इसको वॉश कर दिया हमने। और इसमें मसाला जात कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं? इसके लिए हम बिहारी चिकन के लिए बेसिकली इसे बनाया ही सरसों के ऑयल में जाता है। ये हमारे पास सरसों का ऑयल है, इससे हम स्टार्ट करेंगे। बिहारी चिकन के लिए हमारे पास मौजूद है टमाटर की पेस्ट, हमने बॉइल करके ग्राइंड की हुई है अच्छे तरीके से, आप देख सकते हैं। बॉइल प्याज है, इसको भी हमने बॉइल करके अच्छे तरीके से इसको ग्राइंड किया हुआ है। इसके अंदर जो मसाला जाता है, जो सूखा धनिया है, इसको दादर करके कूट के फिर इसमें ऐड करेंगे। ये काली मिर्च भी इसमें ऐड करेंगे, इसको भी दादर करके कूट के ऐड करेंगे। इसमें कलौंजी भी ऐड होती है और इसमें सौंफ भी ऐड होती है, सौंफ भी डालेंगे। दादर मिर्च भी इसमें ऐड डालेंगे इसके अंदर। और इसी तरह हमने अदरक किस्म की पेस्ट है, उसको भी डोरी में कूटा हुआ है अच्छे तरीके से। ये चिकन में अच्छे तरीके से इसकी बुनाई करेंगे और फ्राई करेंगे अच्छे तरीके से चिकन को। हमारे पास ये मौजूद है अच्छी सी अंडी, इसमें हम अपनी कुकिंग को शुरू करेंगे। पहले हम डालेंगे सरसों का ऑयल, इसको गर्म करेंगे अच्छे तरीके से। अब इसमें हम अदरक लहसुन की पेस्ट जो कुटी हुई है, ग्राइंड की हुई है, वो ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से इसको हम फ्राई करेंगे अदरक लहसुन को। अब इसमें आप देख, हो गया फ्राई बिल्कुल अच्छे तरीके से हो गया फ्राई। अब इसके अंदर हम चिकन ऐड करेंगे। एक राइस स्पून हम नमक का डालेंगे इसमें। ये हमारे पास कलवंजी है, एक चम्मच कलवंजी का डाल देंगे। ये सौंफ है हमारे पास, सौंफ का एक चम्मच डाल देंगे।
एक टीस्पून दादर मिर्च का डालेंगे। एक टीस्पून हल्दी का डालेंगे इसमें। ये जो प्याज हमने बॉइल करके ग्राइंड किया हुआ था अच्छे तरीके, इसको हम अब ऐड कर देंगे। ये जो टमाटर पेस्ट थी हमारे पास, टमाटर को बॉइल करके ग्राइंड किया हुआ है हमने, इसको भी ऐड कर देंगे। अब इसकी अच्छे तरीके से बनाई करके इसको दम पे लगाएंगे। 10 मिनट का दम होगा ताकि इसका जो है ना अच्छे तरीके से चिकन जो है ना गल जाए, सॉफ्ट हो जाए, नरम मुलायम हो जाए। व्यूज आप देख सकते हैं, बिहारी चिकन हमारा तैयार हो चुका है, बहुत ही अच्छा और कमाल का। ये बिहारी चिकन का सब टेस्ट बेसिकली इसका स्पाइसी होता है और खट्टापन, चटपटा, चटपारा ये इसका टेस्ट होता है। और बिल्कुल हमारा रेडी है, आप देख सकते हैं